गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं पोएम है जो राजस्थान बोर्ड की रेनबो की बुक है, उसकी पहली पोएम है द नोबल नेचर, रिटन बाय बेन जॉनसन। इस पोएम में अगर आप टाइटल देख रहे हैं द नोबल नेचर, नोबल मीन्स एक्सीलेंट, उत्तम, श्रेष्ठ, नेचर मीन्स स्वभाव, तो ये वो कह रहा है यहाँ पर कि आदमी जो है, जो मेन बात इसमें कही गई है कि किस प्रकार से एक आदमी जो है परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, कैसे वो महान हो सकता है, ये बात इसमें की गई है। और इसके लिए कवि ने नेचर से दो बातों का एग्जांपल लिया है, द ओक ट्री और द लिली फ्लावर। ये दोनों जो हैं, द ओक ट्री, ओक ट्री की बात करें हम तो ओक ट्री की जो विशेषताएँ हैं, स्टैंड्स लॉन्ग, ये लंबाई में लंबा होता है, लीव्स फॉर 300 ईयर्स, इसकी उम्र जो है वो 300 साल होती है, एट लास्ट फॉल्स एज ए लोग ड्राई एंड सैपलेस, अंत में गिरता है एक लट्ठे की तरह, लोग मीन्स लकड़ी का लट्ठा होता है, ड्राई मीन्स सूखा, और सैपलेस का मतलब रसहीन, जिसमें कोई रस नहीं रहता, मीन्स यूजलेस होता है एक तरह से, उस रूप में ये गिरता है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती, कोई उपयोगिता नहीं रहती, कांट इम्प्रेस द बीहोल्डर्स, और इसको देखने वाले जो हैं इससे प्रभावित नहीं होते, बीहोल्डर्स में देखने वाले दर्शक जो हैं, इम्प्रेस प्रभावित करना, जो दर्शक इससे प्रभावित नहीं हो पाते। दूसरी ओर उसने एग्जांपल लिया द लिली फ्लावर, लिली के फूल का, इसकी जो विशेषताएं हैं, वाइट इन कलर, रंग में सफ़ेद होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर होता है, लीव्स फॉर ए डे ओनली, केवल एक दिन इसकी उम्र होती है, एक दिन के लिए खिलता है, ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे, मई के महीने में खिलता है ये, फ्लावर ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का फूल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, ये क्वेश्चन भी है कि इसको फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल दिन में खिलता है और उसी शाम मुरझा जाता है अंधेरा होते ही, इम्प्रेसिज द बीहोल्डर्स, और जो देखने वाले दर्शक हैं इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो यह दो जो चीज़ें इसने ली है नेचर से, ओक ट्री और लिली फ्लावर। तो ओक ट्री के बारे में उसने ये कहा कि उस आदमी के लिए कहा कि एक व्यक्ति जो है वो उसकी उम्र बहुत हो सकती है, वो साइज में बहुत लंबा हो सकता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अगर वर्क्स, उसके जो काम अच्छे नहीं हैं, उसके जो डीड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो व्यक्ति महान नहीं हो सकता, व्यक्ति नोबल नेचर का नहीं कहला सकता। दूसरी ओर जो उसने जो लिली फ्लावर का एग्जांपल लिया है, उस आदमी को दर्शाने के लिए कि भले उसकी उम्र कम है, भले उसका आकार छोटा है, भले उसकी लंबाई नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, उसकी लंबाई मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि उसका उसके काम कितने अच्छे, उसके डीड्स, उसके वर्क्स कितने अच्छे हैं, अगर उसके काम अच्छे हैं तो व्यक्ति वो ग्रेट है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या कहा गया कि व्यक्ति की ग्रेटनेस किस पे डिपेंड करेगी, उसके कर्मों पर, उसके कार्यों पर, ना कि उसके साइज पर, ना कि उसकी उम्र की अवधि पर। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों वस्तुओं को नेचर की कवि ने पास पास रखा है, ये समझाने के लिए कि व्यक्ति महान कैसे बनता है, व्यक्ति महान कर्मों से बनता है, ना कि अपने आकार से, अपने साइज से, ना अपनी उम्र की अवधि से। नाउ कम टू द टेक्स्ट, इधर देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, क्या कह रहा है पोएट, इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, वृद्धि करना, लाइक मीन्स की तरह, एक सिमिली भी है यहाँ पर, ये आपको याद होगा उपमा हिंदी में जिसको बोलते हैं, कि जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो बातों की, दो वस्तुओं की, तो एज और एजेज और जो लाइक वर्ड यूज होते हैं तो वहाँ पर उसको सिमिली माना जाता है, और दोनों ही जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, कहने का मतलब एक मनुष्य हो तो एक नेचर की कोई वस्तु हो, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है जिनकी पहचान अलग, आइडेंटिटी अलग अलग होती है, तो उस तरह से ही सिमिली है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि इन बल्क, बल्क में बिग साइज, डोथ मेक मैन बेटर बी, डोथ को आप डज मान लीजिए और इस नोट को यहाँ जोड़ दीजिए, तो इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ऐसे पढ़िए, इन बल्क डज नॉट मेक मैन बेटर बी, समझ आ गया होगा आपको कि कवि क्या कहना चाह रहा है, कि एक पेड़ के समान आप वृद्धि कर जाएं, साइज आपका बड़ा हो जाए, और कहता है लेकिन इससे आदमी अच्छा नहीं होता, डज नॉट मेक, ऐसे पढ़िए, नोट को यहाँ ले आइए, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क मी बिग साइज, डोथ मी डज,
नोट को यहाँ जोड़िए, डज नॉट मेक मैन बेटर बी, ये लाइन आपको पूरी समझ आ जाएगी अच्छी तरह से, किसे आदमी अच्छा नहीं बनता है अगर वो एक पेड़ के समान साइज में वृद्धि कर ले, बड़ा हो जाए, या कहता ओवर स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या वो खड़ा हो जाए लंबा एक आग की तरह, एक आग की तरह वो लंबा खड़ा हो जाए, जो आग क्या है कहता है 300 ईयर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आग के पेड़ की विशेषता है कि वो 300 साल जीता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। टू फॉल ए लोग, लेकिन इतनी लंबी उम्र जीने के बाद भी कहता है वो कैसे गिरता है, फॉल गिरना ए लोग एक लकड़ी के लट्ठे की तरह है, एट लास्ट अंत में जो लट्ठा कैसा होता है ड्राई यानी सूखा, बाल्ड मीन्स बाल्ड बिना बालों वाले को बोलते हैं, गंजे को बोलते हैं, मतलब यहाँ क्या हुआ कि कोई पत्तियाँ नहीं होती, बिल्कुल सूखा होता है एकदम, एंड सीयर, सीयर मीन्स सैपलेस रसहीन, जिसमें कोई रस नहीं होता, उस तरह से वो व्यक्ति वो गिरता है, वो लट्ठा गिरता है। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का है जो जिसकी तुलना उसने आग के पेड़ से की कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसका साइज बड़ा हो जाए, लेकिन वो अंत में फिर भी उसके डीड्स अच्छे नहीं हैं, उसकी अचीवमेंट्स नहीं है कोई भी, उसकी उपलब्धि नहीं है लाइफ में, तो कहता है वो आग के पेड़ के समान है। तो कहता है ऐसा व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता, कभी ग्रेट नहीं हो सकता, सच ए मैन कांट बी ग्रेट। फिर उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया है ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का जो लिली का फ्लावर है इज फेयरर फार, फेयरर का मतलब कहीं ज्यादा सुंदर है वो इन मे, जो कब खिलता है मई के महीने में खिलता है, मैंने पहले भी कहा इसकी विशेषता है लिली के फ्लावर की वाइट कलर का होता है, एक दिन इसकी उम्र होती है और मई के महीने में खिलता है, एक दिन से मतलब सुबह खिला और शाम को मुरझा जाएगा, ओनली सिंगल डे आल्दो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि कहता है गिर जाता है मर जाता है उसी रात को, क्योंकि उसकी एक दिन उम्र होती है, उसी दिन ये गिर जाता है मर जाता है, लेकिन इसको क्या कहा गया इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया कई बार कि इसको फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं, तो कहता है ये पौधा किसका था, फूल किसका था, प्रकाश का, क्यों, क्योंकि दिन के प्रकाश में खिलता है ये और रात होते ही मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, इसे इसको लाइट का फ्लावर भी कहते हैं, और अपनी ब्यूटी से ये जो लोग इसको देखते हैं वो इसको देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, भले इसकी शॉर्ट लाइफ है। तो इस फूल के लिए आदमी, उस पोएट ने क्या कहा कि वो आदमी जिसकी उम्र भले बहुत कम है वो, लेकिन उसके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं जीवन में, वो व्यक्ति इस लिली के फूल के समान है, और ऐसा व्यक्ति परफेक्ट है, ऐसा व्यक्ति महान है, नोबल है। फिर लास्ट में जो दो लाइनें और हैं देखिए, कहता इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटे छोटे अनुपातों में, प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम क्या देखते हैं, जस्ट भी केवल ब्यूटी सी, ब्यूटी भी सुंदरता है, सी भी देखना, कि जो कोई भी वस्तु है भले वो उसका अनुपात यानी कह रहे हैं बहुत छोटी है वस्तु, वो उसमें हम सुंदरताएँ देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट में लघु छोटे छोटे, और मेजर्स का मतलब पीरियड, जो छोटी छोटी अवधियाँ हैं, छोटी छोटी अवधियाँ हैं, पीरियड्स हैं, काल हैं, लाइफ में परफेक्ट भी जीवन पूर्ण हो सकता है, कहने का मतलब पूरी यहाँ ये मैसेज देना चाहता है कि शॉर्ट एंड स्वीट इज ऑलवेज बेटर। तो पूरी पूरी आपने क्या देखा, अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है कि एक व्यक्ति महान कैसे बनता है, और उसकी तुलना उसने क्या की कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो एक आग के पेड़ के समान है जो 300 साल भले जी लेगा लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, वो अंत में गिरेगा कैसे, एक लकड़ी के लट्ठे के समान जो सूखा होता है, रसहीन होता है, ऐसा जीवन यूजलेस है। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि वो व्यक्ति जिसके अचीवमेंट्स हैं, जिसके डीड्स अच्छे हैं, उस लिली के फ्लावर के समान है, उसका जीवन मीनिंगफुल है, ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है, ऐसा व्यक्ति महान होगा, बनेगा, बन सकता है जीवन में, जिसके कर्म अच्छे हैं, डीड्स अच्छे हैं, भले उसकी उम्र कम है, भले उसका साइज कम है। और कहता है लास्ट उसने इसको एक पूरा एक तरह से मॉरल बता दिया, एक लेसन बता दिया एक कि शॉर्ट एंड स्वीट इज ऑलवेज बेटर, कि लाइफ में इसका जो एक सेंट्रल आइडिया क्या निकला, इसका मैसेज क्या निकला पोएम का, कि जीवन में अगर परफेक्शन चाहिए तो हमारे अचीवमेंट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे
जो वर्क अच्छे होने चाहिए, हम ना कि हमारी उम्र बड़ी हो या हमारा साइज बड़ा। नाउ कम टू द राइम स्कीम। आप देखिए हर पोएम में राइम स्कीम होती है लगभग, तो राइम स्कीम कैसे निकलती है कि हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है और उसकी जो लास्ट आवाज़ है, हर शब्द की जो अंतिम अक्षर की आवाज़ है, उसको उससे राइम स्कीम निकलती है। जो पहली आवाज़ निकलती है वो ए से शुरू होती है हमेशा। जैसे आप देखिए ट्री ई, पहली ए हो गई, फिर बी, ट्री बी, दोनों में ई ई की आवाज़ आ रही है तो राइम स्कीम होगी ए ए। फिर ईयर सीयर, रह रह की आवाज़ आ रही है तो ये हो गया बी बी। फिर आवाज़ चेंज हो रही है डे मे सी सी। फिर चेंज होगी आवाज़ नाइट लाइट, टैटा की आवाज़ नाइट लाइट डी डी। फिर आप इसे देखिए सी बी, सी बी वापिस सेम आ रही है, ट्री बी सी बी, तो ए ए वापिस आ गई। इस वजह से क्या राइम स्कीम बनी इस पोएम की, ए ए बी बी सी सी डी डी ए ए। थैंक्स।